राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय में किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर पारिवारिक न्यायाधीश देवेंद्र सिंह, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय के अलावा विभिन्न बैंकों द्वारा अदालत लगाकर विवादों का निस्तारण किया गया। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 50,473 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पारिवारिक वादों से संबंधित 22 वादों तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों से संबंधित 839 वादों का निस्तारण कर 29,61,17,422 रुपये की छूट प्रदान करते हुए 1,39,04,448 रुपये नकद जमा कराया गया। लोक अदालत के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ ने बताया। इसमें दीवानी मामले, पारिवारिक मामले, शमनीय एक्सपेंसेस एवं बिजली बीमा संबंधी मजदूर विवाद संबंधी बंटवारे संबंधी विवाद, ऐसे मामलों पर निस्तारण किया जाता है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू मूव अहेड टू द ओपनिंग सेरेमनी वेयर इन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द एक्टिंग सेक्रेटरी डीएनएसए सर टू कम हियर एंड स्पीक फ्यू वर्ड्स। होना चाहिए कि जो है मेरा ये निवेदन रहेगा कि सभी लोग अधिक से अधिक मुकदमे इज्जतशिप से निपटाएं, जिससे पूर्व की भांति इज्जतशिप का नाम उत्तर प्रदेश और देश में सर्वोच्च स्थान पर कायम रहे, जैसे कि पूर्व में भी रहा है। जितना भी निपटेगा उससे भी अपने जो है कार्य के प्रति हम लोगों का लेकिन आज के दिन बड़ी प्रसन्नता होती है जब पूरे जस्टिस की भावना यही होती है और पूरा परिवार ये सोचता है कि बंधुता निस्तारण सहजता के साथ और बंधुता के साथ सबकी इच्छा अनुसार कर दिया जाए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत की भाग उतना उत्साह उतना प्रचार प्रसार दिखाई नहीं दिया है। इसका एक तो ये कारण है कि हमारे पास विधिक सेवा प्राधिकरण में परमानेंट कोई सचिव नहीं है। दूसरा यह कि अस्थायी रूप से जिनको कार्यभार सौंपा है उन पर भी अपना इतना साथ सहयोग नहीं है कि वो अपने कार्य को इतने तेजी से चला सकें। फिर भी उनके द्वारा काफी प्रयास किया गया है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाना। यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अस्पताल जो है
ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर संभव राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए। जिलाध्यक्ष का कार्य समय समय पर निर्देश देना, मीटिंग बुलाना और उनसे ये अपेक्षा करना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन हो। आज मॉडल ज्ञान अधिनियम से संबंधित एमएससी के सब मुकदमे से संबंधित एडवोकेट अगर उपस्थित नहीं है और उनके द्वारा वाइटआउट किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उनका दिल जानता होगा। मैंने भारी प्रयास किया उनको बुला बुला करके, कई बार मीटिंग की और मैंने पीठासीन अधिकारी से मिलकर भी समस्या को उसको सुलझाने के लिए निर्देश दिया, लेकिन अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये भी एक बहुत ही गंभीर मामला है। जो भी हम लोग हमारे समक्ष जितनी भी पत्रावलियां हैं उन सभी को गंभीरतापूर्वक टैक्टफुली भावकारी तथा आंतरिकता को डील करते हुए उन्हें टैक करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमे को अदालत में तय हो सके। सभी से ये उम्मीद करता हूं कि वो अपने अपने कोर्ट में जाकर वो पत्रावली जो पहले से लेते हैं लगी हुई है और वो पत्रावली जो आज भी निकलवा कर देते हो सकती है उन्हें उनके विद्वान अधिवक्ता को भी सूचना करके उनके वार्ताओं को भी खुलवा करके तय करा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं राय साहब का, उन्होंने समय समय पर बहुत ही प्रयास किए कि लोग अदालत सफल हो। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सर्वोच्च न्यायालय के इंस्पेक्टर जज को कि हर राष्ट्रीय लोक अदालत की तरह आज भी भारी प्रयास किए हैं। इसमें मैंने अन्य अपने डीए साहब को भी सम्मिलित किया है, इसमें हमारे शशि साहब, हमारे और उपाध्याय जी तथा हमारे अन्य सीनियर पंडित जी को भी बुला करके उनसे ये मंशा अपनी जाहिर की और उन्होंने पीछे परिणाम देने का उनसे वायदा किया है। मैं चाहूँगा कि जितने भी एसीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हमारे मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट से संबंध है वह उनके दिशा निर्देश का भी पालन करें और मैं सीजीएम साहब से भी उम्मीद करता हूँ कि वो अपने टैक्स से और अपने पोशाक बुद्धि से अपने विवेक और ज्ञान से आज कुछ मुकदमों को और ज़्यादा तय कराने की गति बनाएं और अपना एक्यूमेंट प्रयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे कैसे तय हो सकते हैं। इसी के साथ मैं इस पोडियम पर हमारी संचालक एंकरिंग करने वाली भारत हासिल हमारे प्रियदर्शी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि बढ़ते मुकदमों को कम की जो टेंडेंसी है बिजली सिविल
तथा क्रिमिनल प्रकृति के छोटे छोटे मुकदमे एले आर्बिट्रेशन और चकबंदी तथा अन्य विभागों के जिस प्रकार के राजस्व है तथा जिलाधिकारी के अंदर आने वाले छोटे छोटे प्रार्थना पत्र हैं जब उन्होंने तय किए हैं, हमारे द्वारा पिछले साल के मुकाबले काफ़ी मुकदमे तय हुए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के कचहरी कैंपस से बाहर जाने के कारण विद्वान अधिवक्तागण इसमें हड़ताल किए हैं और उनने उन मुकदमों का निस्तारण नहीं कराया है। हालांकि हमारे द्वारा काफ़ी सुलह और समझौता करने की उनसे कोशिश की गई, लेकिन उनका ये मानना है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कचहरी के अंदर आनी चाहिए, ये उनका अपना खुद का ऐसा विचार है। हालांकि उनको बातकारी को हित को देखते हुए और इसमें भाग लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है, इससे हमें बड़ा दुख पहुँचा है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे तय किए गए हैं और मुकदमे में मेरे साथियों ने बड़ा सहयोग दिया है। इसके नोडल ऑफिसर श्री राय साहब हैं, हेवरी कोर्ट में हमारे सीनियर यहाँ जज जो हैं श्री देवेंद्र सिंह हैं और अन्य जो है हमारे साथियों ने भी हमारे न्यायिक अधिकारियों ने बड़ा सहयोग दिया है। हम इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे, आप भी प्रचार प्रसार करिए जिससे कि हमारे न्यायालय में अधिक से अधिक मुकदमे तय हों। थैंक यू।